चलिए भैया, तो मैं आपको खाली चांद छपरा पंचायत भवन के सामने का नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ से शुरुआत है, ये हमारा टोला है और ये जाने का, हमारा टोला के अंदर जाने का ये रास्ता है। देखिए किस तरह से पानी भरा हुआ है, देखिए बच्चे लोग कैसे पानी को हिलते हुए जा रहे हैं गमछा पहनकर, बेचारा पैंट भी नहीं पहन सकते इतना पानी है। देखिए देखिए, मैं आपको पास करके दिखा रहा हूँ, देखिए ये कितना पानी है उसको। देखिए वो बेचारा टंकी देखिए सिर पे कैसे ले जा रहा है, देखिए देखिए कितना पानी है, देखिए। और ये देखिए पंचायत भवन का बाउंड्री देखिए, पीछे का आदमी भरी पानी में डूब के मर जाए, मगर पंचायत भवन में पानी नहीं जाना चाहिए, ये मुखिया जी का सोच है। देखिए हमारे पीछे देखिए क्या हाल है, बच्चा लोग दुकान जाने के लिए मजबूर है, लगता है अब इसमें नाव चलाना पड़ेगा। मुखिया जी एक नाव का उपाय करिए, क्या कि अब आना जाना तो पूरा सा बंद हो गया है। देखिए ये नौहरिया पट्टी जाने का रास्ता में क्या हाल है, देखिए। चलिए मैं आपको पानी में ढूंढ के और आगे का नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए मुखिया जी, देखिए क्या नज़ारा है, देखिए देखिए क्या नज़ारा है, देखिए सब तरफ पानी ही पानी है। चलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको दूसरे साइड से, ये देखिए यहाँ पे इतना इतना पानी है। चलो कल्लू फॉलो मी, तो देखिए जरा मुखिया जी क्या हाल है। देख लीजिए ये बेचारा, इनके घर से आदमी कैसे निकलेगा जरा देख के बताइए। देखिए ये देखिए हमारे पंचायत भवन का क्या हाल है, देखिए देखिए एजेंसी डूब गया है सारा। ये देखिए यहाँ पानी का नज़ारा, देखिए यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए कहाँ तक पानी लगा हुआ है, क्या विकास है मुखिया जी। देखिए देखिए हमारे खाली चांद छपरा पंचायत भवन के पास विकास होते हुए नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। देखिए वो, देखिए वो बूढ़ा बाबा, देखिए कैसे साइकिल चला के आ रहे हैं, देखिए पानी में, देखिए बताइए आप कैसे होगा मुखिया जी, थोड़ा कुछ सोचिए मोहल्ला टोला के बारे में। और ये सिर्फ मोहल्ला टोला ही नहीं, यहाँ पे और आने जाने वाला राही को ही बहुत परेशानी हो रहा है, जो आपको मैं दिखा रहा वीडियो के नज़ारे द्वारा। देखिए